गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड संधि बोध रूल्स ऑफ संधि। अधोदत्तानी पदानी अवलोकयत, नीचे दिए गए शब्दों को देखिए। देवालय, देव प्लस आलय। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। सज्जन, सत प्लस जन। कश्चित, कह प्लस चित। को अपि, कह प्लस अपि। ऊपरी लिखित प्रत्येक शब्द में दो शब्दों के अत्यधिक पास आ जाने पर अक्षरों में परिवर्तन आ गया है। देखा आपने देव और आलय, इसमें आ हाइड है, देवालय बोल रहे हैं अपन। सूर्योदय, सज्जन, सत्त की जगह ज बन गया सज्जन। किश्चित, कहचित, कॉपी। तो ये शब्द जो हैं ये वर्णों, दो वर्णों से मिलकर के शब्द बने हैं और दो शब्द मिलकर के जो परिवर्तन आ रहा है उसे संधि कहा गया है। इन ईच ऑफ द वर्ड्स अबव अ चेंज हैज कम एज अ रिजल्ट ऑफ टू वर्ड्स कमिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर। नाउ लुक दिस दीज एग्जाम्पल्स। देव प्लस आलय, देव, देव व में अ हलंत है, अ व हलंत है और व के साथ में अ जुड़ा है तो हम देव बोल रहे हैं। आलय और देव का अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर व और आलय का प्रथम अक्षर आ, तो इनको मिला करके देवालय, यानी अ प्लस आ मिलकर के देवालय बन गया। ठीक है। सूर्य प्लस उदय, सूर्य, सूर्य में अ हल अ और उदय का उ, अंतिम अक्षर प्रथम शब्द का और बाद वाले शब्द का प्रथम अक्षर। सूर्योदय, अ प्लस उ बन करके क्या बन गया बच्चों, ओ। सत जन, सत जन, सत जन यानी त जो है वो ज में बन गया है। कह चित, कश्चित, श बन गया है। क विसर्ग संधि जो है वो स में चेंज हो गई है। क अपि, को अपि, को अपि में अ ओ में कन्वर्ट हो गया और अ जो है वो एस शेप का बन गया, उसको अपन अ बोलते हैं, को अपि। दो शब्दों के अत्यधिक पास आने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो परिवर्तन अथवा विकार आता है उसे संधि कहते हैं। When two words come very close, a change occurs. As the last letter of the first word and the first letter of the second word merge with each other, this transformation is called sandhi. Sandhi तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, जब स्वर का स्वर से मेल होता है, ये तो आपको पता है ना, वाउल्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, इसी तरह से अ आ ई, ये वाउल्स हैं, इसके अंदर स्वर संधि कहलाती है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो आ और आ स्वर हैं, तो आ से आ मिलकर के आ बन गया विद्यालय। दिनेश, दिन प्लस ईश, अ और ई ए बन गए। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, अ और उ मिलकर ओ बन गए चंद्रोदय। वसुदेव, वसुधा प्लस एव, आ और ए मिलकर के ए बन गए हैं। प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम, ई और य, ई जो है वो य में कन्वर्ट हो गया है, तो प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम मिलकर के ये प्रत्येकम, प्रत तो आधा आ गया बच्चों और ये है ती जो है ये में बन, ई है वो ये में बन गया प्रत्येकम। स्वागतम, सु प्लस आगतम, तो ऊ जो है वो व में चेंज हो गया है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि यहाँ पांच प्रकार की बताई गई हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। पहले हम दीर्घ संधि के बारे में देखेंगे एग्जाम्पल्स। ह्रस्व दीर्घ स्वर समजातीय, ह्रस्व दीर्घ स्वर इक्वल टू दीर्घ स्वर, अ प्लस आ प्लस अ प्लस आ, तो आ बन जाएगा। ई, छोटी ई और बड़ी ई, कोई भी पहला अक्षर पहले अंतिम वर्ड में हो और प्रथम अक्षर में ई या ई हो तो वो ई बन जाएगा। ऊ और ऊ हो प्रथम अक्षर और बाद वाले अक्षर में पहला अक्षर अ ऊ और ऊ हो तो ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा। मम अपि, ममा प्लस ममापि, तथापि, तथापि, विवेक प्लस आनंद, विवेकानंद। नदी प्लस ईश, नदीश। भानु प्लस उदय, भानुदय। देखो न के अंदर ऊ की मात्रा छोटी ऊ की है तो छोटे और दोनों ऊ मिला करके बड़ा ऊ बन गया भानुदय। पितृ ऋणम, पितृ ऋणम। अब आता है गुण संधि, अ और आ प्लस ई तो ए बन जाएगा। सर्व प्लस उदय, सर्वोदय। अ और आ प्लस ऊ प्लस ओ, ओ। अ प्लस अ और री, अर बन जाएगा। मम
प्लस उपरी ममोपरी, हर्ष प्लस उल्लास हर्षोल्लास, महा प्लस ईश महेश, देव प्लस ऋषि देवऋषि, यण संधि यानी असमान स्वर, ई ई जो है वो य में चेंज परिवर्तन हो जाएगा, ऊ और छोटा बड़ा ऊ है वो व में बन जाएगा और री र में बन जाएगा, इति प्लस आदि इत्यादि, यदि प्लस अपि यद्यपि, कर्मणि प्लस एव कर्मण्येव, यदि एवं यद्येवं, भ्रातृ प्लस अंश भ्रात्रांश, मुनियो प्लस मुन्यो, गुरु प्लस ओ गुरुओ, वृद्धि संधि अ और ए से मिलके ए बन जाएगा, आ और ए से मिलके भी ए बनेगा, अ और आ, यदि अंतिम वर्ड है और प्रथम वर्ड ओ ओ है तो ओ बन जाएगा, जैसे सदा प्लस एव सदैव, जल प्लस ओघ जलोध, जल प्लस ओध जलोध, वन प्लस औषधि वनौषधि, तव प्लस ऐश्वर्यम तवैश्वर्यम, अयादि संधि ए ऐ में कन्वर्ट हो जाएगा, ए आय में कन्वर्ट हो जाएगा और ओ औ बन जाएगा, औ में आउ बन जाएगा, सामने असमान स्वर होने पर, ने प्लस ए अननम, ने प्लस अनम नयनम, देखो न प्लस ए मिलकर के ए बन गया नयनम, भो प्लस अनम भवनम, तौ प्लस एव तावेव, द्वो प्लस अपि द्वापि द्वावपि, मुने प्लस ए मुनये, गुरो प्लस ए गुरुवे। अब आता है बच्चों व्यंजन संधि, पहले हमने 5 स्वर संधि के भेद पढ़े, अब व्यंजन संधि रीड करेंगे। जब व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के मेल से होता है, व्यंजन प्लस स्वर, अजंत अच प्लस अंत च ज, धर्मादायु धर्मात प्लस आयु, एतदासनम एतत प्लस आसनम, तो ये त जो है वो द में बन गया, च जो है ज बन गया और त द बन गया, ठीक है। अब आता है व्यंजनम और व्यंजनम, दोनों व्यंजन यानी अंतिम अक्षर भी व्यंजन है और प्रथम अक्षर जो है पीछे वाले शब्द का वो भी व्यंजन है, तो क्या बन जाएगा, जो तल्लीन तत प्लस लीन तल्लीन, तन्मय तत प्लस मय तन्मय, सज्जन सत प्लस जन सज्जन, स्वच्छ जलम स्वच्छम प्लस जलम, अनुस्वार तो म बन गया अनुस्वार। विसर्ग संधि, जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो विसर्ग यानी कॉलन जो होता है ना उसको विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग प्लस स्वर विसर्ग, देवो अपि देव प्लस अपि, अंतरात्मा अंतः प्लस आत्मा, भर्तुरेव भर्तु प्लस एव भर्तुरेव। विसर्ग व्यंजन मनोहर मनः प्लस हर, देखो दोनों में मनः और हर तो अ औ में बन गया मनोहर, बारस चलति बाल चलति, इतस्तत इत तत, यो जानाति यह जानाति। विसर्ग संधि में कहीं कहीं विसर्ग का लोप है, स गच्छति यहाँ कॉलन हट गया है, देखो बच्चों एष आ गच्छामि गच्छामि एष आ गच्छामि, योगः उच्यते योग उच्यते, संतोष एव संतोष एव, अत एव सत्पुरुषा इव सत्पुरुषा इव, अवधेयम संधि के फल स्वरूप एक बार विसर्ग लोप होने पर पुनः संधि नहीं होती तथा दोनों शब्द पृथक ही लिए जाते हैं, अत एव ही लिखा गया है यानी एरो से आपको समझाया गया कि इसको कॉलन नहीं लगाएंगे, पुनः दीर्घ संधि के नियमानुसार संधि करके अतएव नहीं लिखा जाता है और नहीं कहा जाता है, इसे अतएव लिखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है, उसके बाद हम वर्कबुक की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।